नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फरुखाबाद के थाना क्षेत्र अमृतपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर कोटा वितरण में धांधली की शिकायत की जांच करने पूर्ति निरीक्षक गई थी। वह दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही थी। उसी दौरान प्रधानपति और कोटेदार समर्थकों में विवाद हो गया, इस पर जमकर हंगामा हुआ। प्रधानपति ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने प्रधानपति और इसकी राइफल को हिरासत में ले लिया। थाना क्षेत्र के ग्राम कुमरोर की राशन दुकान सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के पुत्र उमेंद्र यादव के पास है। विगत दिनों प्रधानपति आनंद विक्रम सिंह उर्फ बिट्टू परमार के समर्थकों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर रहा था कि कोटेदार दो महीने से राशन वितरण नहीं कर रहा है। डीएम के निर्देश पर शुक्रवार को पूर्ति निरीक्षक नेहा गुप्ता कुमरौर के मजरा रामपुरा पहुंची और प्राथमिक विद्यालय में दोनों पक्ष के लोगों को बुलाकर बयान दर्ज करने लगे। उसी दौरान कोटेदार उमेंद्र यादव के समर्थकों को विद्यालय के पास ही प्रधानपति बिट्टू परमार से विवाद हो गया। विवाद के दौरान भीड़ एकत्रित हो गई। भी मौके पर कई राउंड फायर हुए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आनंद विक्रम की राइफल व कार कब्जे में लेकर आनंद विक्रम व भाजपा के बूथ अध्यक्ष सहित लगभग 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। आज थाना अमृतपुर के क्षेत्र ग्राम ब्रह्मपुरा में राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम जो एक शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच पे गई थी, वहाँ पर पूर्व प्रधान जो कि कोटेदार हैं और वर्तमान प्रधान दोनों के समर्थक वहाँ जांच के दौरान आ गए और उनके बीच में गाली गलौज मारपीट आदि की घटना हुई है, जिसकी सूचना तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो उसमें उपद्रव करने वाले कुछ लोग थे उनको हिरासत में लिया गया है और जो भी इस घटना में संलिप्त है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214। राजस्थान के बारा जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में NH 27 पर नकाबबंदी कर गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। सूचना मिलने पर गौरक्ष व पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ट्रक में भरे गौवंश को गौशाला में छुड़वाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी मिलने पर SP मनोज गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए। गौरक्षकों ने बताया कि झालावाड़ की ओर से गौवंश से भरा ट्रक आ रहा था। इसकी सूचना मिलने पर इसका पीछा किया और सूचना पुलिस को भी दे दी। ट्रक में गौवंश भरे हुए थे। लोगों को ट्रक में भरे गौवंश का पता नहीं लग सके, इसके लिए ट्रक में आधे हिस्से में गौवंश भरे थे और ऊपर भूसा व आलू के कट्टे जमा रखे थे। ट्रक चालक ट्रक को तेज गति से चला रहा था। NH 27 पर फतेहपुर टोल पर भी तेज गति से निकालते हुए ट्रक बैरिकेड तोड़कर निकल गया। इसके बाद किशनगंज पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग कर ट्रक को NH 27 पर किशनगंज के पास रुकवा दिया। DSP मनोज गुप्ता ने बताया कि ट्रक में भरे गौवंश को मेडिकल करवाने के बाद बांसथोनी गौशाला में छुड़वाया है। वहीं ट्रक सवार पकड़े गए 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हेलो, माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। राजस्थान के बारा शहर में बारिश के कारण कोटा रोड और शाहबाद रोड खस्ता हालत हो गई है। इन सड़कों पर गड्ढों के कारण गाड़ी ड्राइवरों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की सबसे व्यवस्थम कोटा रोड गड्ढों में तब्दील हो गई है। यहां पग पग पर 1 से 1.5 फीट तक गहरे गड्ढे हो रहे हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोग घायल हो रहे हैं। स्थिति ये है कि इन गड्ढों के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। बारिश के समय इन गड्ढों में पानी भरने से
गाड़ी ड्राइवरों को गड्ढे की गहराई का अनुमान नहीं लग पाता है। अचानक गड्ढों में कूदने से वाहनों के संतुलन होने और दुर्घटनाग्रस्त होने के ड्राइवर घायल हो रहे हैं। एक दिन पहले भी कोटा रोड स्थित निजी हॉस्पिटल के पास गहरे गड्ढे के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई थी, जिससे क्रेन की मदद से हटाया गया। बजट घोषणा के तहत प्रस्तावित सिटी फॉर लैब की सड़क का 38 करोड़ की लागत से पुनर्निर्माण तक नहीं करवाया जा रहा है। बारिश का सीजन शुरू होने के बीच अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने गड्ढे भरवाने के लिए मिट्टी ग्लेवल डलवाई है, जिसमें भी ठेकेदार की ओर से अनियमितता बरती जा रही है। कई जगह गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। अयोध्या शहर के देवकाली स्थित शीशमन गार्डन में शुरू हुआ फनलैंड प्रदर्शनी मेला नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता काट कर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी में तरह तरह के झूले अयोध्या शहर में पहली बार आए, जैसे प्रदर्शनी में टावर झूला भी आया है। वह बच्चों के झूले व रेस्टोरेंट और तरह तरह की क्रॉकरी की दुकानें व सौंदर्य की दुकानें हैं उपलब्ध। शहर के शीशमन गार्डन के देवकाली तराहे के पास चल रही प्रदर्शनी फनलैंड प्रदर्शनी मेला लगभग 50 दिन चलेगी। ये प्रदर्शनी इस प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर शहर के सम्मानित लोग मौजूद रहे। फनलैंड प्रदर्शनी एवं मेले का शुभारंभ हमेशा से नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी करते आए हुए हैं, तो जगह चेंज हुआ लेकिन उद्घाटन उन्हीं के द्वारा करवाया गया है। विधायक जी ने उद्घाटन इसका किया है। ये प्रदर्शनी लगभग 50 दिन चलेगी और यह प्रदर्शनी देवकाली पे लगी हुई है, जिसमें तरह तरह की दुकानें आई हैं और विशेष आकर्षण में इस बार नया झूला लाया गया है, टावर झूला, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार लग रहा है आपके अयोध्या जिला में। और यहाँ पे महिलाओं के लिए सौंदर्यकरण की दुकानें लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में नगर पालिका अध्यक्ष किताबुन्निसा द्वारा बलरामपुर नगर पालिका परिषद के प्रांगण में मुहर्रम पर्व को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सैयद अहमद रजा, विशिष्ट अतिथि मुफ्ती अब्दुल सलाम अब्दुल रहीम, मुशाहिदी मास्टर मोहम्मद हसन, हाफिज अंसार मौलाना अब्दुल जब्बार, सीओ सिटी नगर बलरामपुर, प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली बलरामपुर, तहसीलदार नगर बलरामपुर पालिका अधिवक्ता राधेश्याम मिश्रा को अध्यक्ष, प्रतिनिधि शबाना अली एवं पालिका सभासद को डॉक्टर देवेंद्र अधिशाषी अधिकारी द्वारा माल्यार्पण कर मसाफा भेंट कर स्वागत किया गया। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि शबाना अली द्वारा बताया गया, नगर पालिका बलरामपुर की ये परंपरा रही है कि सभी धर्मों के पर्व में कमेटी के पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे सुझाव प्राप्त कर बेहतर साफ सफाई, पत्र प्रकाश, साफ पानी जैसी जरूरी चीजों को बेहतर ढंग सुविधा प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में मुहर्रम पर्व पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। ताजियादारों आलमदारों के पदाधिकारियों के सुझाव के अनुसार मुहर्रम पर्व पर साफ पेयजल पथ प्रकाश की सुविधा नगर पालिका परिषद द्वारा बेहतर ढंग से कराया जाएगा। जुलूस मार्ग इमाम चबूतरे के पास सफाई कराकर चूने का छिड़काव कराने का पूर्व से ही संबंधित को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। क्रम में सहभागी होने वाले लोग हम पुलिस प्रशासन के तरफ से वो बातें बताएंगे कि जो आपको नहीं करना है,
जो करना है वो चेयरमैन साहब बताएंगे, ईओ साहब बताएंगे, हम लोग तो वो बताते हैं जो नहीं करना है। जो नहीं करना है उसमें ये है कि कोई भी ऐसा माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। एसएसपी बरेली और एसपी देहात राजकुमार के निर्देश में ऑटो लिफ्टर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिरौली पुलिस ने सिरौली क्षेत्र के बगिया रोड मुर्गी फार्म के पास चोरी की 5 मोटरसाइकिल सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये पेशेवर ऑटो लिफ्टर हैं जिनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। पकड़े गए ऑटो लिफ्टर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑटो लिफ्टर हैं। पुलिस की इनको काफी लंबे समय से तलाश थी। पकड़े गए वाहन चोरों में कुलदीप पुत्र राम निवास और अमरदीप पुत्र राम निवास निवासी गांव गहवरा थाना मीरगंज दोनों सगे भाई हैं। हिमांशु पुत्र अनिल निवासी गांधी कॉलोनी प्राजिद कैंप रुद्रपुर उधम सिंह नगर। शेखर पुत्र नरेश चंद शर्मा निवासी गलपुरा शाहबाद रामपुर के हैं। इन अभियुक्तों पर अनेक मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 29 जुलाई 2022 को थाना क्षेत्र सिरौली में एक ऑटो लिफ्टर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनसे 5 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इनमें से एक मोटरसाइकिल थाना सिरौली क्षेत्र से चोरी की गई थी तथा बाकी 4 मोटरसाइकिल कहां से चोरी की गई हैं इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं इनके विरुद्ध जनपद बरेली रामपुर व उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। थैंक यू। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील बच्चों के लिए स्कूल हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए। संपर्क करें 9918781000। बरेली में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा देश की राष्ट्रपति को अपमानित करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अमन सक्सेना के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया गया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया। कोतवाली में मुकदमा लिखने की मांग की महानगर अध्यक्ष अमन सक्सेना ने बताया, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा देश की राष्ट्रपति महोदया के खिलाफ अभद्र अशोभनीय एवं अपमानजनक टिप्पणी एक सांसद के द्वारा की गई है। टिप्पणी ये साफ प्रदर्शित होता है कि नारी शक्ति को लेकर कांग्रेस की क्या मानसिकता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ की गई टिप्पणी से कड़े शब्दों में निंदा करता है। मांग करते हैं भारत की सर्वोच्च पद पर आसीन एवं नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाने वाली भारत राष्ट्रपति महोदया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता एवं सांसद अधीर चौधरी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। देख क्या नाम है आपका? अमन सक्सेना, महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा। क्या किस बात का विरोध किया जा रहा है, क्या मामला है? आज हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि कांग्रेस के सांसद नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने हमारे राष्ट्रपति, मतलब हमारे क्या पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदया हैं, वो उनके लिए कठपुतली या ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनसे राष्ट्रपत्नी कहा है पूरे देश के सामने, तो उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और उनके खिलाफ हम ये मांग करते हैं कि संघ से संघ, मतलब आप ये समझ लीजिए जितनी संगीन धारा हो सके उसमें मुकदमा दर्ज हो। और इतना आक्रोशित है युवा देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर।
डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत।